इस फिल्म के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है, और यदि ऐसा होता है तो वो केवल संयोगवश है। हालांकि इस कहानी के कुछ अंशों का आधार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, ऐसी घटनाएं जो इस फिल्म में दिखाई गई हैं इस अकादमी में होती नहीं है। हम अपने देश के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रतिष्ठा और मर्यादा का पूर्ण सम्मान करते हैं, जो भावी अफसरों को अनुशासन, देशभक्ति और देश के प्रति सच्ची निष्ठा का पाठ पढ़ाती है, जो हमारे देश की जनता के लिए आदर्श बनते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं। ये ताला क्यों लगाया मेरे घर पे? जी वो सर, ये ताला सिर्फ हवेली कोई नहीं लगाया गया है, बल्कि आपके मुकद्दर पर भी लग गया है। वो भी आपके डैडी ने लगाया है, नहीं इस वसीयत की चाबी से। वसीयत? क्या लिखा है इसमें? मैंने अपने बेटे वीरेंद्र प्रताप सिंह को इंसान बनने के कई मौके दिए, लेकिन उसका गुरूर आसमान की ऊंचाई को छूता है और आवारगी उसके कदम चूमती है। हमारे खानदान में ऐसा कोई चिराग नहीं जला जिससे अपने ही आशियाने को जल जाने का खतरा पैदा हो जावे। वीरेंद्र प्रताप सिंह उनमें से एक है। अगर
21 साल की उम्र पूरी करने तक वो अपने बाप दादाओं की तरह मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन नहीं करता तो उसे तमाम ऐशो आराम छीन लिए जाए। वो तमाम जायदाद का हकदार तभी बन सकता है जब वो मिलिट्री एकेडमी में भर्ती हो जाता है। ए, बिजली मुझ पर गिरी है, रो तू रहा है? हवेली पर बिजली गिरती है तो हवेली को कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बाजू में हम जैसों का झोपड़ा होता है नहीं, वो जल जाता है। अब मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? तुम्हारे घर का चूल्हा भी जलेगा, इस हवेली का ताला भी खुलेगा। हाँ? वो कैसे सर? मेरे बाप ने वसीयत लिखते वक्त एक गलती कर दी। उन्होंने ये तो लिखा कि मैं मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करूं, पर ये नहीं लिखा कि मैं उसे पास भी करूं। आप तो जानते हैं शहर में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां से मुझे निकाल कर बाहर ना फेंका हो, इसलिए मैं मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करूंगा और इतने कानून तोड़ूंगा कि मिलिट्री वाले दो ही दिन में मुझे निकाल बाहर फेंकेंगे, बस फिर मैदान साफ। सर यू आर ए जीनियस, सर यू आर ए जीनियस। मिस्टर जयसिंघानी, मैं तुम्हारी महबूबा नहीं। सॉरी सर। फौरन मेरे मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने का अरेंजमेंट कीजिए। यस सर। दोस्तों, मेरा नाम अमरीक सिंह गिल है। बचपन से ही मैंने ये ख्वाब देखा था कि एक दिन आर्मी का बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, और आज वो दिन आ गया है। गिल साहब, सपना तो इस भंवर सिंह शेखावत ने भी देखा था, लेकिन सिर्फ फौज का बड़ा अफसर बनने का नहीं, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे छट्टी का दूध याद दिलाने का। 1971 की जंग में हमारे पूरे खानदान को मिटा गए थे। ओए बंगाली बाबू, ओ तू भी कुछ बोलेगा या आज तेरा मौन बढ़ता है? अरे की बोलबो बाबा, हम बंगाली लोग सपना ही नहीं देखता है, सिर्फ दूठो बखत का माज भात का सोचता है। जब किधर भी काज नहीं मिला तो मिलिट्री में भर्ती हो गया। एक तो बात बोले, हमको बॉडी से बहुत डर लगता है। हंसने को किसने बोला? क्यों, हंसने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हंसना तो क्या, इसके लिए भी आर्मी में परमिशन लेनी पड़ती है। हंसना भी है तो सिविलियन की तरह मत हंसो, इस तरह हंसो, समझे? डर गए? मेरे प्यारों, जितना हंसना चाहते हो आखिरी बार हंस लो, गालो, मुस्कुरा लो, क्योंकि एकेडमी के इस दरवाजे से मेजर जसबीर सिंह राणा के गुरूर की हद शुरू होती है। उसके बाद हंस नहीं पाओगे, उनके कदमों की आहट से फूल खिलने की बजाय मुरझा जाते हैं, माहौल में शमशान जैसी खामोशी छा जाती है और उनको देखते ही हवा थम जाती है। आज तुम सब मामूली इंसानों की भीड़ से निकलकर उन जाबाज सिपाहियों के बराबर आकर खड़े हो गए हो।
जो ना सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं बल्कि मुल्क का मुकद्दर भी लिखते हैं। किसी भी देश की सुरक्षा बंदूकों और तोपों से नहीं की जाती और ना ही एटम बम और मशीन गनों से जंग जीती जाती है। जंग जीतता है इंसान मजबूत इरादों से जो यहां मैं पैदा करूंगा तुम्हारे अंदर। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद जब तुम लोग यहां से जाओगे मैं तो 3 दिन में ही चला जाऊंगा। Said something? कुछ कहा तुमने? मैंने कहा मैं 3 ही दिन में चला जाऊंगा यहां से। जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती जानवर से तुम इंसान नहीं बन जाते तुम इस अकेडमी से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। दीवारें ऊंची करवा लो मेजर, मैं एक ही छलांग में फांस जाऊंगा इन्हें। ऐसी गलती कभी मत करना वरना जिन पर आज तुम खड़े हो ये टांगे नहीं रहेंगे। हर कैडेट मेरा ऐलान कान खोल कर सुन ले, आज के बाद तुम लोग सांस भी लोगे तो मेरे कायदे कानून के हिसाब से। अगर और मेरा भी ऐलान सुन लो, आज से मैं हर रोज तुम्हारे कानून तोड़ूंगा और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम खुद मुझे यहां से निकाल नहीं देते। कैडेट फ्रेंड बता, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, रेगिस्तान में फूल खिल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं होगा जो तुम चाहते हो। अंडरस्टैंड? या यस सर, यस सर। लिसन सर, सर मस्ट हैव ऑफ। ई हम हाय ई अमी नाय ओए की होया कोश बाबू? अमरीक बाबू जरा देखो हमको क्या से क्या बना डाला। कितना प्यार से इस सब को थोड़ा थोड़ा करके बड़ा किया था, एक तो झटका में इसको वतन से बेवतन कर दिया। पक्का उल्लू लगता है। ओए अगर सरदार के घर पैदा होता तो तेरे साथ आज ये बदसलूकी करने की कोई हिम्मत नहीं करता। नहीं रे बाबा, हमको तो ऐसा उल्लू लगना ही ठीक लगता है। ओ तेरी तो। भंवर सिंह जी हुजूर, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, बजरंग बली का नाम लो और सो जाओ, कल सुबह से तुम्हारी रगड़म पट्टी शुरू। जो जगदम्बे की मर्जी। उठाओ। वीरेंद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह। बको। ओ, आप हैं। आपके सामने मेजर साहब कुछ नहीं बोल सके तो मैं क्या बकूंगा? समझदार हो। थैंक यू। एक मिनट, आपके आगे पीछे दाएं बाएं कोई रोने वाला नहीं है क्या? नहीं है। तभी ले रहा है मेजर साहब से पंगा, लेकिन तुझे मालूम नहीं कर देंगे वो तुझको नंगा। बाबा रे बाबा, ये मेजर तो एकदम भूत के जैसा दिखता है। 6 महीने में हम इधर जिंदा बचेगा भी या इधर ही हमारा बोंदे मातरम हो जाएगा? घोष बाबू डरो मत, मेजर अगर शेर है तो अपना वीरू भी सवा शेर है। वीरू मशाय, जब तुम भागेगा ना तो हमको भी साथ लेकर भागना। मेरा बाप मेरे लिए करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया है, तेरा बाप को छोड़कर गया? अरे साला मरा ही नहीं, तू छोड़ेगा कैसे? जब मरेगा तब छोड़ेगा। हो ही नहीं तो छोड़ेगा क्या? तो फिर यहाँ से भागने के बाद हावड़ा ब्रिज पर भांगड़ा करेगा क्या? हम उधर मिष्टी का दुकान खोलेगा, लेकिन इधर रहेगा तो मेजर हमारा तेल निकाल देगा। ए, लाइट बंद करो और सो जाओ।
सुबह 4 बजे उठना है, सो जाओ। हिम्मत कभी न तोड़ेंगे, दुश्मन को न छोड़ेंगे, घुटने कभी न टेकेंगे, मुड़के ना हम देखेंगे। कैसा फिक्र, कैसा डर, दुश्मनों के गिले सर, आगे बढ़ आगे बढ़, दुश्मनों पे टूट पड़, चाप पे अपनी खेलेंगे, हर मुश्किल को झेलेंगे, क्या होगा न सोचेंगे, हर मंजिल पे पहुंचेंगे। कर फिदा जान को, मार ले मैदान को, रोक ले आंधियां, मोड़ दे तूफान को। हिम्मत कभी न तोड़ेंगे, दुश्मन को न छोड़ेंगे, घुटने कभी न टेकेंगे, मुड़ के न हम देखेंगे। Over to you, sir. 10 मिनट के विश्राम के बाद हम उसी तरह वापस चलेंगे। हनुमान प्रसाद, श्रीमान, कैडेट्स की गिनती करो। श्रीमान, कैडेट्स शुरू से आखिर तक गिनती कर। 1, 2, 3, 4, 5। मेजर साहब, गिनती में कैडेट कम है। भागने का बहुत शौक है तुम्हें, आज मैं तुम्हें इतना भगाऊंगा दौड़ते दौड़ते जमीन कम पड़ जाएगी, तुम्हारी दौड़ खत्म नहीं होगी। उठाकर अस्पताल ले जाओ। श्रीमान। लेकिन उसे हुआ क्या है? होना क्या था मैडम, चूहे ने उछलकर शेर की मूंछ पर हाथ मारा, शेर ने मारा पंजा, जवान हो गया गंजा। उफ़ो, तुम्हारे मेजर साहब भी। ओ माँ, मार डाला साले ने। बहुत दर्द हो रहा है। पूछो मत सिस्टर, साले ने हड्डियों का कचुंबर बना दिया। तुमने काम क्यों ऐसा किया कि वो तुम्हें सजा दे? सजा के बिना भी जिंदगी में मजा है सिस्टर, सजा के बाद ही तो इंसान के इरादे मजबूत होते हैं सिस्टर। अरे आप तो मदर हैं। मदर? अब आप ही बताइए, अगर हम नर्स को सिस्टर कह सकते हैं तो डॉक्टर को मदर क्यों नहीं कह सकते? अगर तुमने मुझे मदर कहा तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूंगी। ऐसी गलती कभी मत करना। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से बहुत जल्द भाग जाऊंगा। अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? मदर, तुम और मेजर क्या एक ही स्कूल में पढ़ते थे? क्यों? वो साला जख्म पे जख्म देता है और तुम जख्म पे प्यार से मरहम लगाती हो। अगर मैं तुम दोनों से पहले मिला होता ना तो तुम दोनों की शादी करा देता। नहीं नहीं मदर, वो तुम्हारी जिंदगी को तो नर्क बना देता। वो तुमसे प्यार भी करता तो वो भी आर्मी स्टाइल में, कहता डार्लिंग आई लव यू। तुम बहुत प्यारी बातें करते हो। अब तुम सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें देखने आऊंगी। कल सुबह? लेकिन मदर, मैं तो आज रात को ही भाग जाऊंगा। तुम नहीं भाग पाओगे। लगी शर्त? लग गई। कितने की? जो तुम्हारी मर्जी। 1000 रुपए की। डन डन।
मदर मेजर से कहना पहरे सख्त करवा ले, वरना तुम हार जाओगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेजर अपनी जान दे देगा, लेकिन मुझे हारने नहीं देगा। ऐसी क्या बात है तुम दोनों में? अगर मैं तुम्हारी मदर हूँ तो मेजर तुम्हारा फादर है। तुम्हारे मेजर साहब से मेरी शादी हुए 18 साल हो गए हैं। सर, कैडेट वीरेन प्रताप अपने बिस्तर पर नहीं है। What? जी, मुझे लगता है कि वो राशन के ट्रक में छिपकर भाग गया। ढूंढ कर निकालो उसे। सर, ट्रक में नहीं है सर। देखता हूं कितनी दूर भागता है। गाड़ी में बैठो। क्रेडिट को आपने कहीं देखा? नहीं। हमेशा की तरह तुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। Yeah, I'm sure. जी नहीं, बिल्कुल नहीं। What do you mean? इस बार फर्स्ट आएगी मेरी सहेली निशा। निशा? जल्दी कर, तेरा नाम अनाउंस हो गया है। कैसी लग रही हूँ मैं? सुपर्ब। चले अभी? हाँ हाँ, चल जल्दी, इस बार जीत के दिखाऊंगी मैं। Romeo, my Romeo, where art thou?
Come on. Bye, Nisha. See you. Excuse me. कहिए। आपने इसे यहाँ कहीं देखा है? कौन है ये गधा? ये गधा नहीं, घोड़ा है। बेलगाम घोड़ा। मेरे अस्तबल में भेज दीजिएगा। लगाम डालकर आपके पास पहुंचा दूंगी। ये कोई सिविलियन नहीं जिसके गले में पट्टा डालकर आप अपने घर के दरवाजे के बाहर बांध सकें। ये फौजी है, मेरा फौजी। इसे सजा देने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मेजर साहब, अगर आपका ये घोड़ा आपको मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? छड़ी का दूध याद दिलाते उसे। ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। सी यू। अरे क्या कर रही हो? मैं अंदर हूँ। और अंदर ही रहो। लेकिन मेरा दम घुट जाएगा। नहीं घुटा तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? अभी बताती हूँ। तुम्हारी समझ में आ गया होगा और सजा भी। दोबारा अगर मेरे सामने से भी गुजरे तो जान से मार दूंगी। मेम साहब, जब कोई मुझे चैलेंज करता है तो मेरी रगों का खून डबल रफ्तार से दौड़ने लगता है और मैं वो कर जाता हूं जो ऊपर वाला भी करने से डरता है। मेरे चेहरे से अपनी नजरें ना हटाओ, अब तो इस चेहरे को रोज देखना पड़ेगा। बे मौत मारे जाओगे। तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो। कौन है वो साला? तुमने मेरे भाई को साला कहा? साले को साला ही कहा जाता है मेम साहब। घर जाके अपने भाई से कह देना कि तुम्हारे लिए लड़का ना ढूंढे, मैं बहुत जल्द बारात लेकर आ रहा हूँ। गो टू हेल। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? बस मन नहीं हुआ। मन नहीं हुआ? या आज फिर कोई कैडेट तुम्हारी जिद से टकरा गया? प्रिया, जिसे तुम मेरी जिद समझती हो, मेरी जिद नहीं है। मेरे आदर्श, मेरे उसूल हैं। इंसानों के साथ जानवरों से सलूक करना कहाँ का आदर्श है? कैसा उसूल है जी? अगर एक बाप का फर्ज है कि वो अपने बेटों से प्यार करे, तो उसे ये भी अधिकार है कि गलती करने पर वो उन्हें सजा दे सके। लेकिन कैडेट वीरेंद्र प्रताप तुम्हारा बेटा नहीं है। है। वीरेंद्र प्रताप ही नहीं, इस एकेडमी का हर कैडेट मेरा बेटा है और मैं उन्हें एक काबिल अफसर बनाकर ही रहूंगा। कैडेट वीरेंद्र प्रताप भी वही बनेगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं अपने बेटे को देख। आगे बोलो। बोलते क्यों नहीं कि उसके अंदर तुम अपने मरे हुए बेटे को ढूंढ रहे हो?
जब तुम्हें अपने बेटे से इतना प्यार था तो उसे मरने क्यों दिया? आपकी बीवी का केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हमारे पास एक ही रास्ता है, मां को बचाएं या बच्चे को। मेरी पत्नी को बचा लो डॉक्टर। सेव माय वाइफ। सोच लो, हम आपकी बीवी को तो बचा लेंगे लेकिन वो फिर कभी मां नहीं बन सकेगी। यस, सेव माय वाइफ डॉक्टर। कैप्टन, आपकी बीवी को बचाने में हम कामयाब हो गए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके डॉक्टर। यस, लड़का था ना? जी हाँ। आंसुओं के सहारे अपना दर्द तो मुझसे कह सकते हो, मैं अपना दर्द किससे कहूं? मैं अपना दर्द किससे कहूं? जी, तुम्हारा सपना, तुम्हारी उम्मीद लौट आई है। वो देखो मेजर साहब, मैं जानता हूं आज मुझे 20 चक्कर लगाने हैं। मेजर राणा, ये वर्दी और मेडल्स अब उतार कर फेंक दो, अब तुम इसके काबिल नहीं रह गए। एक छोटा सा बच्चा तुम्हें उल्लू बनाकर गया भी और वापस भी आ गया। अब तुम बूढ़े हो गए, इन तिलों में अब तेल नहीं रहा। इस दाढ़ी की सफेदी में मत जाओ जानू, तेल तो अभी इतना बाकी है इस दिल के अंदर कि बंबई का समंदर शर्मा जाए। मेजर साहब, फिर अस्पताल? एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम भागने में कामयाब हो ही गए थे तो तुम वापस क्यों आ गए? मुझे अपनी शर्त के पैसे जो लेने थे। तुम इतने बेवकूफ तो नहीं लगते कि 1000 रुपये के लिए मौत के मुंह में वापस आ जाओ?
मेजर के पास कौन कमबख्त आया है? मैं तो अपनी मदर के पास आया हूँ। मदर, तुम मुझे जल्दी अच्छा कर दो, क्योंकि आज रात फिर मुझे जाना है। कहाँ? तुम्हारी बहू के घर। What? हाँ मदर, कल रात जब मैं मौत से दूर भाग रहा था, जिंदगी से मुलाकात हो गई। यूं लगा जैसे मैं मिलिट्री में भर्ती होने नहीं, उससे मिलने इस शहर में आया हूँ। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है मदर, लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल मेजर की तरह। कहाँ रहती है वो? पहले ना जाने कहाँ रहती थी, लेकिन अब यहाँ रहती है। स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप लगाओ, स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप लगाओ, 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 लगाओ। सुनो, सुनाई दे रही है उसकी धड़कन? यहाँ तो मेजराना की आवाज सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं, आज तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें पता है मदर, जब भी मुझे कोई चैलेंज करता है, मेरी रगों का खून डबल स्पीड से दौड़ने लगता है और मैं वो कर जाता हूँ जो ऊपर। कुछ भी हो जाए, आज तुम ऐसे नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ग्लूकोज में नींद की दवा मिला दी है। What? हाँ, अब तुम सो जाओ। कमरे में कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं अपनी बहन से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मुझे छुपा रहे हो। अरे बिटवा, मैं काहे लिए झूठ बोलूंगा? अपना हाथ मेरे सर पर रखो और कसम खाओ कि वो ठीक है। खाओ कसम कि वो ठीक है। अरे बिटवा। भैया, ये तो ठीक है। इतनी सी थी जब माँ तुझे मेरी गोद में छोड़कर चली गई थी। और माँ ने कहा था कि शंकर, आज से निशा तेरी बहन नहीं, बेटी है तेरी। खबरदार, इसे अगर एक खरोच भी आए। खरोच तो नहीं आई ना तुझे? ओफो भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छी भली तो खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। लेकिन तेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ नहीं है, मैंने जानबूझ के किया है। जानबूझ कर? पर क्यों? मिल गया था एक सर फिरा। क्या नाम है उसका? निशा। बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। समझो जरा बात मेरी जनाब, बजरिया में सबकी नजरिया खराब, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। चल
दर्पण से खुद को बचाया करो, नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी जुल्फे फिराया करो, नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी हमारे घर में। खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तुम यहां कैसे आए? तुमसे वादा जो किया था। तुम यहां से जाते हो या ऊपर वाले ने तुम्हें हुस्न दिया है, नखरे दिखाना भी जरूरी है। तुम नाना करती रहो और मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे यहाँ का इंतजार करूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं है तुमने किसके घर में घुसने की गलती की है। जानता हूँ, ये मेरे साले का घर है, काफी माल कमाया साले ने। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी काज को बुलाती हूँ। क्या हुआ बेबी? बेबी को प्यार हो गया है। उठाकर बाहर फेंक दो इस बदतमीज को।
मेम साहब, चाहूं तो इन सबको एक फटके में सुला दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हारे नफरत की इंतहा देखना चाहता हूं, और तुम मेरा प्यार देखो जो सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इसके चेहरे से इसकी मुस्कुराहट छीन लो ताकि ये कभी मुस्कुरा ना सके। मेंढक की तरह फुदक रहा है बे। अरे अगर वीरू के आने से पहले मेजो एक खाने आ गया तो हम सबका चमड़ी उतर देगा। तू तो बारिश होने से पहले ही छतरी खोल के बैठ जाता है। अरे वो पहला शीट शेव और शारलिंगा यार, उसके बाद ही जिधर आएगा। वीरू पाजी आ जाओ, साड़ी जान बचा जाओ। मेरा पिया घर आया, हो राम जी मेरा पिया घर आया। अब क्या होगा? उस मेजर के पेजर को वहां से हटाना होगा, वरना वीरू बाहर कैसे आएगा? मैं उसको हटा के आता मैन। Hey!
ए वीरू, तू उस लड़की को मिला? हाँ मिला। पप्पी लिया? पप्पी। तुझे कैसे पता चला? इधर टीवी पर दिखाया था। अरे वीरू, तेरे चेहरे पे ये जख्म कैसा? यहाँ तो सिर्फ जख्म है, दर्द वहां हो रहा होगा। रह रहकर उसे मेरी याद सता रही होगी। आज मैं तुम्हारी नफरत की इंतहा देखना चाहता हूं और तुम मेरा प्यार देखो जो सिर्फ तुम्हारे लिए। राजा ठाकुर आपका इंतजार कर रहे हैं। कहिए राजा ठाकुर। मल्होत्रा मिल्स के मालिक सुभाष मल्होत्रा को जानते हो? हाँ, दो एक बार आपके पास आते जाते देखा है। हाँ वही वही, वो बेचारा अपनी मिल परेल से हटाकर विरार में लगाना चाहता है, लेकिन मजदूरों के कुछ लीडर उसमें अपनी टांग अड़ा रहे। क्यों? उस मिल की जमीन को बेचने से मल्होत्रा को 500 करोड़ रुपयों का फायदा होगा, जो मजदूर लीडर नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि तुम उन लीडरों का मुंह बंद कर दो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मल्होत्रा 500 करोड़ कमा लेगा और उससे हम जो कीमत चाहेंगे वसूल लेंगे। किसी भी कीमत पर इस सौदा नहीं होना चाहिए बिहारी। अगर इस सौदा हो गया ना तो राजा ठाकुर हमसे और बड़ा हो जाएगा। मल्होत्रा को अपना मिल का जमीन से 500 करोड़ का फायदा होगा और राजा ठाकुर उससे 50 करोड़ तो उगलवा ही लेगा ना। और 50 करोड़ में कितना हथियार आता है मालूम है ना बिहारी? है? अरे मालूम है चाचा, हम सबको एक ही रात में भस्म कर सकता है। हाँ तो फिर सोच क्या किया जाए, नहीं तो तुमको बंबई छोड़कर बिहार भागना पड़ेगा। आप कहें तो मैं राजा ठाकुर को उड़ा दूं? ए बेटा, ताकत राजा ठाकुर के बाजू में नहीं है, ताकत है शंकरवा के भेजा में, जिसका सामने मौत भी आने से डरती है। तो कसम है गंगा मैया की, जब तक हम इस शंकरवा के जटों से खून का गंगा नहीं बहा देंगे तब तक पानी भी नहीं पिएंगे। शाबाश बिहारी, तुमसे हमको ये ही उम्मीद थी। ए चाचा, हमारा तारीफ में टाइम वेस्ट मत कीजिए। भाई बताइए, क्यों ससुरा मल्होत्रा शंकरवा को कब और कहां मिलने वाला है? आज रात 10 बजे होटल पार्क व्यू में। Thank you.
हिलना नहीं, नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा। आई एम फ्रॉम द आर्मी। मिस्टर मेजर राणा। मेजर राणा, आप इस हादसे के चश्मदीद गवाह हैं। अदालत में हमें आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी। विल यू प्लीज शो मिस्टर शंकर। मिस्टर शंकर आप। मिस्टर शंकर, क्या ये वही आदमी है जिसने आप पर गोली चलाई थी? जज साहब, इस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी या किसी और ने, मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप, अदालत को गुमराह कर रहे हैं। जज साहब, सच बोलना क्या अदालत को गुमराह करना है? जरा इस टोपी को पहनिए, पहनिए। जज साहब, अब जरा इनकी टोपी पर लगे गोली के निशान को देखिए। 10 फुट की दूरी से कातिल इन पर गोली चलाता है। गोली इनके माथे पर न लगकर इनकी टोपी से टकराकर गोली का रुख बदल जाता है। और ये कहते हैं इन्होंने कातिल को पहचाना नहीं। वाह मिस्टर शंकर, मैं आपको आगाह करता हूं कि अदालत में अपने बयान को बदल देना या झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। मैं जानता हूं जज साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि दुनिया के कौन से कानून में लिखा है कि टोपी सिर्फ इसी तरह से पहनी जा सकती है। दरअसल उस दिन जब मैं घर से निकला तो मैंने टोपी ऐसे नहीं, ऐसे पहनी थी, और गोली जो चली वो चली मेरे पीछे से। अब आप ही बताइए जज साहब, मैं कैसे बता सकता हूं कि गोली इन्होंने चलाई या फिर इन्होंने? बिहारी भाग जा बिहार, नहीं तो शंकरवा तुझे बेमौत मारेगा। उस ससुरा हमको का मारेगा, हमरे डर से तो पहले ही से मरा हुआ है। जानते हैं चाचा, उस ससुरा कोर्ट में बयान दिया कि हमको पहचानता ही नहीं है। ईमान से चाचा, 24 घंटा के अंदर अंदर उस ससुरा का लाश लाकर आपके कदम में नहीं रखे तो हमारा नाम बिहारी बिहार वाला नहीं। हाँ तब फोनवा भी 24 घंटा बाद ही करना, समझा? शंकर, पूरे बिहार का नाम मिट्टी में मिला दिया बिहारी। सिर्फ 10 फुट की दूरी पर था और तेरा निशाना चूक गया। शंकर भैया, हमको माफी दे दो। शंकर भैया, अगर तुमका माफ कर दिया तो पूरा बिहार हमका कैसे माफ करेगा? भैया, हम अभी ट्रेन पकड़ के बंबई से बिहार चले आएंगे। भैया हमको माफी दे दो। नहीं बिहारी, बंबई से जिंदगी वापस नहीं जाती, सिर्फ मौत जाती है। हेलो रश्मि। हाय निशा, ये हाय बाय छोड़, पहले मुझे ये बता तेरे अंकल हैं या ऑफिस गए? वो तो सुबह 5 बजे ही चले जाते हैं। वैसे तुझे अंकल से क्या काम है? अंकल से नहीं पगली, मुझे एनडीए में काम है, क्योंकि तू ही तो मेरा पासपोर्ट है जिसके सहारे मैं एनडीए में कदम रख सकती हूँ। क्या किसी मिलिट्री वाले को अपना दिल दे दिया है? दिल तो दे दिया है, अब तो लगता है उसके लिए जान दे दूं तो भी कम है। ठीक है ठीक है, एक काम कर, तू यहाँ फौरन आ जा और मैं तुझे एनडीए ले चलती हूँ। इस बिल्डिंग के बाहर निकलकर
जब आप राइट जाएंगे तो सामने कैडेट्स की बिल्डिंग है, कैडेट वीरेंद्र प्रताप सिंह उसी में मिलेगा। उस तरफ जी। ओके थैंक यू। चल रश्मि जल्दी कर। ए तुम लोग किसको ढूंढता है मैन? वीरेंद्र प्रताप सिंह को। तो जाओ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों? इतना मार खाने के बाद आदमी हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो क्या चर्च जाएगा? क्या हो गया? मैंने ये तो नहीं चाहता कि तुम्हारी जान चली जाए। मैं तो तुमसे कहने आई थी, तुम्हारी जिस मुस्कुराहट से मैं नफरत करती थी वही मुस्कुराहट मुझे आज यहां खींच लाई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। तुम्हारे बगैर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। सच? वीरू। कुड़ी पड़ी। क्या बात है बिहारी, तुमने तो कसम खाई थी कि तुम मुझे जंग के मैदान में मात दोगे, फिर औरतों की तरह छुपकर अकेले में क्यों मिलना चाहते हो? देखो सुनील बाबू, हमरा दुश्मनी तुमसे नहीं, वो राजा ठाकुर से है। वो अपाहिज तुम्हारे गले में गुलामी का पट्टा डालकर तुम्हें हमरा बंदूक के सामने खड़ा कर दिया। हो सकता है तुम्हारे गोली का शिकार हम बन जाऊं, और ये भी हो सकता है कि हमरी गोली का निशाना तुम बन जाओ। इन दोनों सूरत में राजा ठाकुर का कौनो नुकसान नहीं होगा, इसलिए एक गुलामी का पट्टा गले से निकाल कर फेंक दो और हिंदुस्तान के बादशाहत का ताज पहनो। आधे हिंदुस्तान पर हुकूमत तुम करो, आधे पर हम। तुम्हारा मशवरा बुरा नहीं है बिहारी, लेकिन मैं एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकता हूं, तुम पर नहीं। अगर हम दोनों का खून एक हो जाए तब भी? सोचो शंकर बाबू, हमारा एक बेटा है और तुम्हारी एक बहन, अगर वो दोनों की शादी कर दिया जाए संबंधी तो संबंधी पर गोली नहीं न चलाएगा हैं? राजा ठाकुर को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। राजा ठाकुर शंकर बाबू, तुमरे एक इशारे पर मेरे आदमी तुमरे रास्ते का पत्थर हटा देंगे और तुम गुलाम से सीधे ही बादशाह बन जाओगे। शंकर ने
जामू काका, क्या बात है बिटिया? आज ना दिवाली है ना दशहरा, फिर इस घर को दुल्हन की तरह क्यों सजा रहे हो? लो, इसे कहते हैं बगल में बच्चा और शहर में डिंडोरा। रामू काका, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम्हारी यूपी की कहावतें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। साफ साफ कहिए ना क्या बात है। अरे बिटिया, तुहार शादी पक्की हो गई है। क्या? हाँ, वो अपने परशुराम बाबू है ना, उनके बेटे विक्की बाबू के संग तुहार रिश्ता तय किया गया है। किसने तय किया? और कौन करेगा बिटिया, उसी ने किया है ना जिसने पालपोस का तुम्हें इतना बड़ा किया है। पालपोस कर बड़ा किया? इसका मतलब मेरी जिंदगी भी उनकी हो गई? कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। क्या पूछता मैं तुमसे? क्या ये पूछता कि निशा मैं सिर्फ 10 साल का हूं और माँ तुझे मेरी गोद में छोड़कर चल बसी है? बोल, तुझे कैसे पालू पोसू, तेरे लिए रोटी कहां से लाऊं? क्या ये पूछता? नहीं, शंकर कभी किसी से कुछ नहीं पूछता, खुद फैसला करता है। और तेरी जिंदगी का फैसला हो चुका है। लेकिन अच्छे बच्चे बड़ों के सामने जबान नहीं चलाते। तुम जाओ और जाकर मेरी खुशियों में शामिल होने की तैयारी करो। गुड़िया, गुड़िया, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं। दुश्मन हो तुम, दुश्मन नहीं होते तो मेरी शादी उससे तय करते जिससे मैं प्यार करती हूँ। निशा, मेरी झोली में मेरा प्यार डाल दो भैया, मेरा प्यार डाल दो। मैं विकी से नहीं, मिलिट्री ऑफिसर ना, ना, उसका नाम मत लेना, वरना तुम्हारी झोली में वो लड़का नहीं, उसकी गर्दन होगी। और तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारा भाई जो कहता है वो करता है। जाओ। इस रिवॉल्वर को पहचानते हो मेजर? ये तो आर्मी का रिवॉल्वर है, आपके पास कैसे आया? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन है वो आदमी जो डिफेंस एम्यूनिशन की चोरी करके गैंगस्टर को बेच रहा है। क्या मतलब है आपका? मेजर राणा, पुलिस ने यह रिवॉल्वर उस हिस्ट्री शीटर के पास से बरामद किया है जो पिछले दिनों गैंग वॉर में मारा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि आप ही की फौज का कोई आदमी गैंगस्टर के साथ मिल गया था। नो, दैट्स इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अपने डिपार्टमेंट पर फक्र करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी शेर की खाल में भेड़िए भी शामिल हो जाते हैं। मेजर राणा का हर सिपाही वतन पर मरने वाला है, ये दौलत पे मरने वाला कौन पता हो क्या? I'll find out. एक रिवॉल्वर मिला है वीरेंद्र प्रताप सिंह के ट्रंक से। हाथ डालकर बाहर निकाल दूंगा मैं।
सर। ये रोटी हमें देती है हिंदुस्तान की जनता, जो अपने पसीने से गुंथती है इसे, ताकि हम उनकी हिफाजत के लिए अपना खून बहा सके। लेकिन तुमने चांदी के चंद सिक्कों के लिए उनके विश्वास को बेईमानी के बाजार में निराप कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये मैं नहीं, चोरी का ये रिवॉल्वर चीख चीख कर कर आए कि मैं हूं एक बेईमान की बेईमानी का सबूत। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। यही चाहते थे ना तुम, कि तुम्हें अकेडमी के बाहर फेंक दिया जाए। तो फेंक दिया तुम्हें, लेकिन ये तुम्हारी जीत नहीं है, ये मेजर जसबीर सिंह राणा की हार है। क्योंकि आज के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा दैट आई एम प्राउड ऑफ माय कैडेट्स, कभी नहीं। बैठ जाओ। आर्मी में हम दोनों ने पहला कदम एक साथ रखा था। मुझसे ज्यादा काबिल होने के बावजूद जिंदगी की इस दौड़ में तुम पीछे रह गए। जानते हो उसकी वजह क्या है? तुम्हारी जिद, तुम्हारी स्टबननेस। तुम्हारी जिद का कद इतना ऊंचा है कि उसके सामने आर्मी के तमाम रूल्स और रेगुलेशन छोटे पड़ जाते हैं। तुमने कई बार कानून की उस लकीर पर पांव रख दिया जिसकी सजा सिर्फ एक थी, कि तुम्हारे जिस्म से वर्दी उतार दी जाती और तुम्हें इस अकेडमी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता। लेकिन हर बार मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहा, क्योंकि तुम एक ऐसे ऑफिसर हो जिसे कांच के टुकड़े को तराश करके हीरा बनाने का फन मालूम है। तुम्हारे ट्रेन किए हुए ऑफिसर्स इस देश के लिए मिसाल बन चुके हैं, और तुम्हारे जैसा इंसान ही हिंदुस्तान के तमाम जवान अफसरों के सीने में अपने मुल्क के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उन जवानों की पीठ पर कोड़े बरसाओ, जैसा तुमने आज कैडेट वीरेंद्र प्रताप के साथ किया। You know very well this is not done in the academy. मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं मेजर, लेकिन याद रहे, this is your last and final warning. Do you understand? Sir. जल्दी कर, कोई आ गया तो। क्यों मरा जा रहा है? कोई नहीं आएगा, सब घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। तू मेजर राणा को नहीं जानता, वो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेता है, कब मौत बनकर सामने आएगा पता भी नहीं चलेगा। वो दिन हवा हुए जब खलील मियां फाकता उड़ाया करते थे, अब इस एकेडमी में हुकूमत सिर्फ सूबेदार सिंह की चलेगी। क्यों, मेजर साहब मिलिट्री से रिटायर हो गए? मिलिट्री से नहीं, अपनी अकल से रिटायर हो गया है। अपने गले का फंदा मैंने वीरेंद्र के गले में डाल दिया और मेजर ने उसे फांसी पे लटका दिया। अब जितना चाहे मिलिट्री का असला बाजार में बेचो, हम पे कोई शक नहीं करने वाला। चलो आराम से रखो, आराम से चलो। कौन है बे? वर्दी तो मैं भी फौजी की पहनता हूं, लेकिन तेरी तरह अपने ईमान का सौदा नहीं करता। अबे सामने तो आ। मेजर साहब, आप
उसने जिंदगी में पहली बार तेरे किए गुनाह की सजा एक बेगुनाह को दी। इन हाथों से जिसने उस मासूम को जानवरों की तरह पीटा, तेरी चमड़ी उधेड़ने के बजाय उस पर कोड़े बरसाता रहा हरामजादे। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा कोई फौजी अपनी वर्दी को नीलाम करने की हिम्मत नहीं करेगा। वीरेन प्रताप, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ता रहा और तुम चुपचाप सर झुकाकर सहते रहे। मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया, क्यों वीरेन प्रताप? क्यों सर? आपके चाबुक ने मुझे इतने जख्म नहीं दिए जितना के बदनामी के उस दाग ने जो सूबेदार सिंह ने मेरे माथे पर लगा दिया कि मैं गद्दार हूं। वो फौजी हूं जो चंद रुपयों के लिए अपनी मां को बेच सकता है, अपने देश का सौदा कर सकता है। पीठ पर लगे हुए इन जख्मों के साथ मैं जी लेता, लेकिन इस कलंक के साथ मैं मर भी नहीं पाता। वीरेन प्रताप, तुम इस देश के उन नौजवानों में से हो जो उठे तो आसमान को मुट्ठी में ले लें। तुम वो सिपाही बन सकते हो जिसे देखकर हर मां रश करेगी और कहेगी कि काश वीरेन प्रताप मेरा बेटा होता। तो हो गया फैसला सर, मैं वो ऑफिसर बनके दिखाऊंगा जिसका ख्वाब आपने देखा है। जिस दिन दुनिया वालों के सामने मैं ऑफिसर की वर्दी पहनकर आऊंगा, लोग ये नहीं कहेंगे कि वीरेंद्र प्रताप आ रहा है, लोग कहेंगे वो देखो मेजर जसबीर सिंह राणा आ रहा है।
proud of you, Alba. I'm proud of you. ये क्या है? निशा की सगाई का कार्ड। ये निशा की सगाई का कार्ड नहीं बल्कि उसकी मौत का पैगाम है। वीरू तुम कुछ करो वरना वो बेचारी जीते जी मर जाएगी। चलो वरना भैया मेरी शादी। निशा मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। हमारी शादी होगी तो तुम्हारे भैया के आशीर्वाद से। नहीं वीरू, तुम मेरे भैया को जानते नहीं हो। तुम्हारे भैया मुझे नहीं जानते। आओ मेरे साथ। लेकिन वीरू, प्यार किया है, डरो मत। रश्मि जी। भैया जाओ निशा को बोलो कि जल्दी से वो। घबराओ मत निशा, पकड़ो हाथ मेरा। आज प्यार करने वालों का इम्तिहान है। साले को बाहर। खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी वीरू की तरफ बढ़ाया तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तो फिर आज हम तुम्हारी लाश पर से भी गुजर कर दिखा दूंगा। आज इसका वजह से पूरा समाज के सामने हमरा नाक कट गया। अभी सगाई का रसम इसका आंख का समन्वय होगा। देख दो, सजाओ तुल इनको।
आशिक तो दीवाने होते हैं, वो क्या दुनिया की सोचेंगे। आशिक तो दीवाने होते हैं, वो क्या दुनिया की सोचेंगे। करना है बाजी है दिल की, बाजी में दिल की, बाजी में दिल की, जमाने से क्या डरना है। करना है, करना है प्यार तुमसे, करना है, करना है, करना है प्यार तुमसे, करना है। परशुराम बिहारी, अपना हाथ जेब में रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नजर लग जाए और तुम्हारा हाथ धड़ से अलग हो जाए। मेजर, ये तुम्हारा ही कैडेट है ना? इसने इन पैरों से चलकर मेरे घर में घुसने की गलती की। मैंने इन पैरों की यह हालत कर दी है कि यह जिंदगी भर खड़ा होकर चल नहीं सकेगा, और यह हाथ, ये हाथ, इनसे इसने मेरी बहन को छुआ। तोड़ दिए हैं मैंने, अब ये हाथ फैलाकर भीख भी नहीं मांग सकेगा। तुम्हारे जवान को जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बना दिया है मैंने मेजर, जो खड़ा होकर चल नहीं सकता, सिर्फ रेंग सकता है। अगर कभी इसे होश आ जाए तो इसे कह देना कि शंकर की हवेली की तरफ सर उठाने की हिम्मत भी रखे। हिंदुस्तानी फौज का जवान जमीन पर रेंगता नहीं, उसकी गर्दन भी अगर कट जाए तो भी वो आगे बढ़ता जाता। तुमने मेजर राणा के कैडेट को कीड़ा कहा, जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा। ये कीड़ा भी इसी वक्त अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आएगा, तुम देखना। कैडेट वीरेंद्र प्रताप, तुम्हें तुम्हारे जिस्म की आखिरी सांस की कसम, हो जाओ और खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। अब ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, उन सब जवानों की हो गई है जिन्होंने हमेशा जीतना सीखा है, हारना नहीं। कमान कमान, गेट अप,
I said get up! Get up, Viren Pratap Singh! Get up on your feet and walk! This is an order! चलकर मुझ तक पहुंचा और इन्हीं पैरों पर चलकर एक दिन वो तुम्हारे घर के अंदर घुसेगा, तुम्हारी बहन को अपने हाथों में उठाकर यहां ले आएगा और तुम सिर्फ देखते रह जाओ। और एक बात सुनते जाना, तुम वही हो ना जो अपनी टोपी उल्टी पहनते हो। आज के बाद अपनी टोपी सीधी पहनना, क्योंकि जिस दिन मैं गोली चलाऊंगा तुम्हें टोपी उल्टी करने का वक्त नहीं मिलने वाला। हम आर्मी वाले पीछे से नहीं सामने से वार करते। आए अंग्रेजी बाबू, कुत्ता चाहे देसी हो या विदेशी, दरवाजा पे खड़ा होकर खूब भौंकता है भौको। हम बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा पार करने का गलती नहीं ना करना। काहे वहां तुम्हारा टेरिटरी खत्म होता है और परशुराम बिहारी का शुरू होता है। वो बुड़बक गलती किया, टेलर दिखा दिया वो। लेकिन 9 से 12 का सो अभी बाकी है। परशुराम बिहारी, तुम्हारी टेरिटरी सिर्फ 4 फुट की है परशुराम बिहारी, जो इस शहर से शुरू होकर के इसी शहर में दम तोड़ देती है। लेकिन हम आर्मी वालों की टेरिटरी हिमालय की बुलंदी से शुरू होकर गंगा सागर की कोख तक जाती है। तुम दोनों ने अगर इसके टुकड़े करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा गिनते गिनते तुम्हारी औलाद पूरी हो जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे, याद रखना। आउच। रिलैक्स सन, रिलैक्स। मदर, बचपन में मेरी माँ को छीनकर बड़ी बेइंसाफी की थी ऊपर वाले ने, लेकिन अब लगता है उसे मुझ पर दया आ गई है, इसलिए तो उसने तुम्हें भेज दिया मेरी मदर बनाकर। मुझे माँ कहना तुम्हें अच्छा लगता है तो जरूर कहो, लेकिन एक माँ के सामने उसका बेटा खून में नहा कर आए
ये उससे कभी अच्छा नहीं लगता। नहीं मदर, मैंने खून नहीं बहाया, मैं तो झोली फैलाकर प्यार की भीख मांगने गया था। भीख में सिर्फ सिक्का मिलता है, वो भी खोटा है। और तुम प्यार की भीख मांगने चले गए। तुम्हारी रगों का खून सूखकर जम ना गया हो तो 5 मिनट के अंदर पीटी ग्राउंड में मिलोगे। जे, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं है कि उठकर खड़ा हो सके। और तुम, ये बेचारा मर जाएगा। मर जाने दो। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान का हर आदमी जिए तो शेर की तरह जिए, वरना पैदा होते ही मर जाए। वो तस्वीर नहीं, तुम्हारी तकदीर है, मंजिल है तुम्हारी। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें आग के शोलों पर से गुजरना है। जान जाती है तो जाए, लेकिन कदम पीछे ना हटने पाए। यस सर। सुनाई नहीं दिया? यस सर। दैट्स बेटर।
मेरा एक कैडेट आपकी हिरासत में है। मैं जानना चाहता हूं उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। रिलैक्स मेजर, मैंने इसे हथकड़ी नहीं लगाई, यह मार पीट कर भाग रहा था, इसलिए पकड़कर साथ ले आया। मेरा कैडेट पीट दिखाकर भागने वाला नहीं। जब तक उसकी रगों में खून दौड़ता रहेगा तब तक वो सीना तान कर मैदान जंग में खड़ा रहेगा। मैदान जंग में लड़ने का इतना ही शौक है तो उन्हें बॉर्डर पर ले जाओ। ये सिविलियन एरिया है, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारा कोई भी कैडेट मेरे इलाके में न्यूसेंस क्रिएट करे। और मैं भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई सिविलियन मेरे कैडेट पर हाथ उठाए। जब तक तुम पुलिस वालों के पास कोई ठोस सबूत ना हो, हम फौजियों के गिरेबान पर हाथ मत रखना, हाथ तोड़ दिया जाएगा। डोंट मेस विद द आर्मी, कम ऑन, लेट्स गो।
पेशेंट का पल्स देखिए। डॉक्टर प्रिया प्लीज प्लीज डॉक्टर प्रिया नहीं मेजर तुम ऐसे मर नहीं सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे वो ऑफिसर बनाओगे जिसमें दुनिया तुम्हारी तस्वीर देखेगी। तुम्हारा कैडेट तुम्हारे सामने खड़ा है मेजर, उठो और बनाओ उसे वो ऑफिसर। मैं कहता हूं उठो, आंखें खोलो मेजर। मैं कहता हूं उठो मेजर, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मेजर। मेजर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, आंखें खोलो मेजर। मेजर गेट अप मेजर, उठो उठो मेजर। नहीं नहीं मेजर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। He's dead, Major, my son. Major, 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 you can't leave me and go away, Major. Major, get up, Major. जो जंग आदमी तीर और तलवार से नहीं जीत पाता, औरत तो उस जंग को अपने आंसुओं से जीत लेती है। परशुराम जी, इससे पहले कि निशा के आंसुओं में मैं डूब जाऊं, मैं चाहता हूं कि उसकी शादी विकी से कर दी जाए। और कितनी बार में इज्जत करवाओगे शंकर बाबू? वो दिन भरा महफिल में तुम्हारा बहन ने हमारा जो पगड़ी उछाला है उसका बाद भी। परशुराम जी, निशा वो गलती हरगिज नहीं करेगी। का है? उसने का मिलिट्री वाले लौंडवा को राखी बांध दिया है का? उसने राखी बांधी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन निशा को मैंने अपना फैसला जरूर सुना दिया है। अगर उसने विकी से शादी करने से इनकार किया तो मैं उस लौंडे की गर्दन काट कर निशा की गोद में डाल दूंगा। फिर उसने क्या कहा भाई साहब? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम कुछ भी करो जे, लेकिन निशा की शादी रोको। क्या करूं मैं? निशा को उसके घर से उठा लाऊं? बिल्कुल जे, तुम भूल गए जब डैडी ने मेरी शादी किसी और के साथ तय कर दी थी तो तुमने क्या किया था? मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे घर के अंदर घुसा और तुम्हें उठाकर तुम्हें बाहर ले आया। Boys!
मेजर, तुम इस एकेडमी के बाहर कदम नहीं रखो। कौन रोकेगा मुझे? मैं। मेरे पास आईजी साहब का ऑर्डर है। यूं समझ लो कि एकेडमी के बाहर तुम्हारे लिए कर्फ्यू लग गया है। जब तक निशा की शादी नहीं हो जाती, ना कोई इस एकेडमी के बाहर जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा। Do you know, Commissioner, कि निशा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? जब तक मैं जिंदा हूं, ऐसा होने नहीं दूंगा। यह गलती मत करना मेजर, वरना पुलिस के जवानों की सारी गोलियां तुम्हारे सीने के पार होंगी। जितनी गोलियां चलानी है चला लो कमिश्नर। आज अगर मुझे खून की नदी पार करके भी जाना पड़ा तो भी जाकर दिखा दूंगा। करन! मेजर राणा, अपने कैडेट्स को लेकर अंदर जाओ और जब तक मेरा ऑर्डर नहीं मिलता, इस एकेडमी के दरवाजे तुम सब के लिए बंद हैं। लेकिन सर मैं... नो डिस्कशन, दैट्स एन ऑर्डर। यस सर। मुसीबत में हथियार डालकर बैठ जाना मेजर राणा ने अपने सिपाहियों को कभी नहीं सिखाया। फिर ये बुजली का कफन पहनकर क्यों बैठे हो तुम लोग? और हम कर भी क्या सकते हैं सर? कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ साथ ब्रिगेडियर साहब ने भी हमारे पैरों में जंजीरें डाल दी हैं सर। जंजीरें तो मैं भी तुम्हारे पैरों में डालता था, पैरे की दीवारें तो मैं भी खड़ी करता था, फिर भी तुम बाहर भाग जाते थे। वो कौन सा रास्ता है जहां से तुम इस अकेडमी से बाहर जाते थे?
अपने पटाखे बजा चुके हैं, अब हमारा धमाका भी देख लो। इसी तरह जमीन पर पड़े रहना। सर उठाने की गलती की तो दूसरे धमाके के साथ इस दुनिया से उठ जाओगे। वीरेंद्र प्रताप, जाओ निशा को लेकर आओ। ओपन द गेट। व्हाट्स द मैटर कमिश्नर? सर, मेजर राणा और उनके कैडेट्स ने निशा को इनके घर से किडनैप कर लिया है। अगर ये सच है कमिश्नर, तो फौरन अपना इस्तीफा दे दो। तुम पुलिस डिपार्टमेंट के काबिल नहीं रहे। जी, तुम्हारी पुलिस फोर्स ने एकेडमी को चारों तरफ से घेर रखा है, फिर हमारे आदमी बाहर कैसे जा सकते हैं? जा सकते नहीं, बाहर गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, मेजर राणा इज ए वेरी स्मार्ट मैन। इफ दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आई विल एक्सेप्ट। एक मिनट, ये क्या फिजूल की बातें चल रही हैं? मेरी बहन वहां पर अंदर है। इस गेट को खोलो, मुझे मेरी बहन चाहिए। ये कोई मंदिर का दरवाजा नहीं है, जिसे जब चाहा खोल लिया, प्रसाद लिया और चले गए। सर, जब आपको पूरा यकीन है कि मेजर और उनके कैडेट्स इस एकेडमी के बाहर नहीं गए, तो आप इन्हें अपनी आंखों से देख क्यों नहीं लेने देते कि वो इस वक्त एकेडमी के अंदर हैं या नहीं? ठीक है, चलो मेरे साथ। देखा, मेरा शक सही निकला। यहां ना तो मेजर राणा है, ना ही उसके वो बाकी कैडेट्स। मैं पूछता हूं, कहां है मेजर राणा? मेजर राणा यहां है सर। तुम्हारे कैडेट्स कहां है? मिस्टर शंकर, अगर मेजर राणा और उसके कैडेट्स तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद हैं, तो फिर ये तुम्हारे घर में कैसे घुस सकते हैं? I am sorry सर। मेजर राणा, सर, तुमने कमिश्नर को चकमा दे दिया, लेकिन मुझे चकमा नहीं दे सकोगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम्हारा मिशन कामयाब रहा। यस सर। मुझे निशा से नहीं मिलवाओगे? श्योर सर।
प्रिया। गुड मॉर्निंग। निशा कहाँ है? ब्रिगेडियर साहब हमारी बहू से मिलना चाहते हैं। अभी ले आती हूँ। आइए सर, हम लोग नीचे इंतजार करते हैं। ओके, ऑफ टू यू सर। जी। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ? तो फिर क्या जमीन उसे खा गई या आसमान उसे निकल गया? यो सिर झुकाकर मेरे सामने खड़े मत रहो, बाहर जाओ और ढूंढो उसे। मैंने कहा ढूंढो उसे। ढूंढने से कुछ नहीं मिलने वाला। मर गई वो। ये देखो। वही जोड़ा है ना जो तुम उसे पहनाकर इस घर से रुखसत करना चाहते थे। हो गई रुखसत वो, इस घर से भी, इस दुनिया से भी। खुदकुशी कर ली उसने। क्या? लेकिन क्यों? ये तुम पूछ रहे हो। अपनी मरती हुई मां को तुमने क्या वचन दिया था कि निशा के जिस्म पर तुम एक खरोच भी पड़ने नहीं दोगे? तुमने तो सर से लेकर पांव तक ऐसे जख्म दिए उसे कि दर्द की रूह भी कांप गई होगी। तुम भाई नहीं, कसाई हो, जो बकरी के बच्चे को बचपन से सिर्फ इसलिए दाना खिलाता है कि एक दिन उसे हलाल करके बाजार में बेच सके, जैसे तुमने निशा को बेच दिया। जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बनना चाहते थे ना तुम? बन गए तुम बादशाह। देख ली तुम्हारी बादशाहत। तुम्हारी हालत तो उस फकीर से भी बदतर हो गई है जिसे भीख में बैन का प्यार तो क्या उसकी नफरत भी ना मिले। ये वही हाथ है ना जिस पर बरसों निशा ने राखी बांधी थी। इसी हाथ से तुमने उसका गला घोंट दिया शंकर। इससे पहले कि उसकी मांग में सुहाग का सिंदूर चमक सके, तुमने उसमें चिता की राख भर दी। निशा, 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 तू जिंदा है? निशा, निशा अगर चाहती तो वीरेन से शादी करके अपनी दुनिया बसा सकती थी, लेकिन जानती उसने क्या कहा? इसने कहा कि अगर ये अपने प्यार का दामन पकड़ती है तो भाई की कलाई छूट जाएगी। अपने भाई की खुशी के लिए इसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, सिर्फ इसलिए कि ये चाहती थी कि उसकी डोली उठे तो तुम्हारे कंधों पर। लेकिन तुम तो सिर्फ इसकी अर्थी को कांधा देना चाहते हो। तो दो कांधा। मेजर साहब, अब तो मेरी बहन की शादी वहीं होगी जहां वो चाहती है। लाख तूफान आए, मौत का रुख भी बदलना पड़े तो बदल देगा शंकर, लेकिन शादी आज ही होगी। हाँ मेजर, आप बारात लेकर आइए, हम आपका इंतजार करेंगे।
एक पंजाबन कुड़ी पंजाबन हाय एक पंजाबन दिल चुरा के ले गए हाय सोला सोला हाय दिल मेरा सोला पंजाबन दिल चुरा के ले गए हाय सोला सोला हाय दिल मेरा सोला सोना सोना दिल मेरा सोना सुरमे वाले नैन लड़ा के ले गए हाय सोना सोना हाय दिल मेरा सोना 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 दिल मेरा सोना पंजाबन कुड़ी पंजाबन ए कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई हाय सोना सोना ए दिल मेरा सोना चुरा के ले गई हाय सोना सोना ओए दिल मेरा सोना 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 दिल मेरा सोना Thank you.
मेजर साहब, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। वो परशुराम निशा को उठा के अपनी बहू बनाने के लिए मुझसे मुझसे वादा करो। आप निशा को अपनी बहू बनाओगे? वादा करो प्लीज, वादा। सुबहाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भाग का फैसला ही परशुराम बिहारी कर दिया है। तुम्हें हमरे घर का बहू बनना ही पड़ेगा। और दूसरा बात, ये हमरा हवेली नहीं, मौत का कुआं है। कुआं यहां से न तुम्हें मेजर बचा सकेगा न उका फौज।
तुम इधर जाओ, मैं उधर जाता हूं। कौन है बे? आओ ना यार, क्या कर रहे हो? तक दुल्हनिया का ही नहीं आई, जाओ जाके लेकर आओ। मेरा भी नहीं है। अच्छा, डैड निशा आ गई। डैड कम निशा, आओ बेटा आओ। चलिए पंडित जी, डायरेक्ट फेरा लगवाइए। कोई भी अपनी जगह से कदम भी नहीं हिलेगा, वरना कदम बाद में रखोगे जान पहले जाएगी। वो देखो, परशुराम बिहारी, हमने तुमसे कहा था हिंदुस्तानी फौज से टकराने की गलती मत करना, लेकिन तुम नहीं माने, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब देखो मैं तुम्हारे कितने टुकड़े करता हूं। मेजर साहब बचिए,
से कहो बंदूकें फेंक दे, वरना तुम्हारी धरती पर रोने के लिए कोई बचेगा नहीं। Come on! फेंक दे। इतना सख्त पारा होने के बाद भी ये लोग अंदर पहुंचे कैसे? क्योंकि हिंदुस्तानी फौज जीतना सिखाती है, भर्ती हो जा खुद ब खुद सीख जाएगा। तुम कोशिश मत करना बिहारी, क्योंकि हिजड़ों को फौज में भर्ती नहीं किया जाता। बिटुआ, ये फौज का चक्करव्यूह ना ही परशुराम बिहारी का चक्करव्यूह है। आदमी अपने पैरों पर अंदर चलकर तो आ जाता है, लेकिन यहां से बाहर जाने के लिए उनका चार कंधों का जरूरत पड़ता है, समझा? बिहारी, हम आए भी हैं अपने पैरों पर चलकर और जाएंगे भी अपने पैरों पर चलकर। छोड़ जाएंगे तो सिर्फ तुम्हारे पाप की ये लंका, जिसकी हर दीवार पर तुम्हारे खून से लिखा होगा। मोहब्बत के दुश्मनों का यही अंजाम होता है। आगाज हुआ नहीं और तू अंजाम तक पहुंच गया। बबुआ, बाजी तो अभी शुरू हुई है। उदय, अंग्रेजी बाबू, फेंकते हो बंदूक या खोल दो इसकी खोपड़ी? मेजर साहब, अभी ये बंगाली मरने से नहीं डरता, मर जाने दीजिए मुझे, लेकिन ये कुकुर को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं थे। अब वही खड़े खड़े देखो बिहार में शादी कैसे होती है। आ बिटुआ, फेरा शुरू करो। आ पंडित जी, ये मंत्र ना पढ़िए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, ओम श्री मंगल गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गजानन भूतगणाधिदेवी भक्षणम वासुतम। मुबारक हो गई शादी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी होने वाली बहू को हम अपना बहू बना लिया और तुम कुछ नहीं कर सके। हम तो सुना था कि फौज का जवान सर कभी नहीं झुकाता, भले ही सर कट जाए। एक बार मेरे कैडेट को छोड़ दे, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। अरे परशुराम बिहारी इतना बड़ा बुड़बक नहीं है कि तुरुप की दुक्की ही फेंक दे। ये दुक्की तो बड़े बड़े राजाओं को भिखारी बना देती है, जैसे कि तू बन गया है। खैर, शादी तो हो गई, अब सुहाग रात भी तुम सब लोगों की आंखों के सामने होगा। बिटुआ शुरू कर। ये तो निशा नहीं है। निशा कहाँ है? निशा यहाँ है। Oh!
अंग्रेजी बाबू हमको माफ कर दो, हम पैर पकड़ता हूँ, हमको माफ कर दो अंग्रेजी बाबू। माफी मांगनी है तो निशा से मांग, जिसे भरी महफिल में तूने बेइज्जत किया। माफी मांग वीरेंद्र प्रताप से, जिसका खून तूने पानी की तरह पाया। परशुराम बिहारी, तुम्हारे जैसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। मेजर अमर, स्टॉप इट। सिविलियन मामलों में मिलिट्री वालों की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं होगी। रिपोर्ट टू द एकेडमी फॉर एन इंक्वायरी राइट नाउ, एंड दैट इज एन ऑर्डर। यस सर। भारतीय सेना के कानून के तहत मेजर जसबीर सिंह राणा पर कानूनी कार्रवाई की गई। मेजर राणा ने स्वीकार किया कि अपने कैडेट्स को गैर कानूनी कार्य करने के लिए अकादमी के बाहर ले जाना एक गलत कदम था, जिसके लिए मेजर जसबीर सिंह राणा को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ए कुड़ी पटाका दिल चुरा के ले गई